पिछले 5 दशक से ज़्यादा वक्त से भारत की राजनीति में सक्रिय शरद पवार 75 साल के होने जा रहे हैं। कैसा था उनका राजनीतिक सफ़र और मौजूदा राजनीतिक हालात के बारे में क्या है उनके विचार जानने के लिए सीधे उनसे बात करते हैं। पवार साहब, स्वागत है आपका IBN 7 में। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहें कि इतना 50 साल से ज़्यादा लंबा वक्त, JP आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन और अब मोदी लहर, और फिलहाल जिस तरह से देश की दिशा जा रही, क्या लगता है आपको देश किस दिशा में जा रहा है? कभी घर वापसी, कभी बीफ बैन या तमाम तरह के मुद्दे, क्या लगता है कहाँ जा रहा है देश? एक तो मेरी शुरुआत JP आंदोलन से नहीं हुई। JP आंदोलन से पहले 15 साल 20 हो गई। दूसरी बात यह है कि आजकल जो स्थिति देख रही है कि एक है कि एक बात का स्वीकार करना पड़ेगा कि देश के लिए एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। वो स्टेबल गवर्नमेंट लोगों ने दी, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कि इनकी विचारधारा हम पसंद नहीं करते, पर लोगों ने उनको समर्थन दिया, तो प्रजातंत्र में लोगों को निर्णय इसका स्वीकार करना पड़ता है। हमारी अपेक्षा ये थी कि कई सालों से राजनीति में काम करने वाली ये पॉलिटिकल पार्टी, इनकी लीडरशिप, देश के कई राज्यों में इनकी हुकूमत, ऐसी स्थिति में जब देश की चलाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर आती है तो एक डेवलपमेंट के क्षेत्र में बदलाव, प्रशासन के क्षेत्र में बदलाव और समाज के सभी लोगों को एक तरह के विश्वास के माहौल पैदा करने के लिए मेहनत, इसका दर्शन इन लोगों के ज़माने में हो जाएगा, ऐसे की एक अपेक्षा आम जनता की थी, जानकार लोगों की थी। मगर इसकी शुरुआत कैसी हो गई इसमें मैं जानना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तब कोई बहुत मतभेद के मुद्दे नहीं थे। मगर पिछले 5-6 महीने से ये गवर्नमेंट के राजनीतिक दल में जिस तरह से इनके साथी जगह जगह पर कई इश्यूज पर अपनी राय दे रहे हैं, इससे समाज के अलग अलग तबके को एक तरह की चिंता की परिस्थिति इनके मन में पैदा हो रही। एक राज्य के गवर्नर साहब बोलते हैं कि आप ये खाएंगे तो आप पाकिस्तान में जाइए, हरियाणा के मुख्यमंत्री इस तरह की पाकिस्तान में जाने की किसी के लिए बात करते हैं, एक कोई महिला मंत्री पार्लियामेंट की जो सदस्य है, मंत्रिमंडल की सदस्य है, वो एक दिन कहती है कि हिंदुओं की लोकसंख्या बढ़ाने के लिए 4-4 बच्चे पैदा करना चाहिए, और कोई इस तरह से कहीं ना कहीं से बयान देते हैं। एक ज़माने में देश की लश्कर के प्रमुख से वो बयान देते हैं कि भाई किसी ने एक पत्थर मारा कुत्ते के ऊपर कि इसकी जिम्मेदारी इनकी हो सकती है क्या, तो दलितों के बारे में इस तरह की कुत्ते की उपमा देकर इनके बारे में अपने मन में भावना का ये दिखाने की कोशिश। ये एक बात कहीं हो गई, एक गलती हो गई, एक किसी एक व्यक्ति का एक स्टेटमेंट आ गया तो समझ सकते हैं, मगर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग हिस्सों से इस तरह के बयानबाजी बार बार चलती है, और वो बयानबाजी करने वाला जो सेक्शन है वो देश की हुकूमत में बैठने वाले लोगों के तरफ से, उनके साथियों से इस तरह की बयानबाजी होती है, तो एक देश में संदेश गलत जाता है। देश के छोटे लोगों को, छोटे तबके को इससे एक डर पैदा होती है, और आज अनफॉर्चुनेटली ये स्टेटमेंट से एक अलग वातावरण, माहौल देश में पैदा हो गया है जिसकी एक जिस पर मीडिया का भी ध्यान गया है, ये चिंता की स्थिति। मैं इसी पे ही बात करूँ, जिस तरह से बेलगाम बयान आ रहे हैं इन तमाम लोगों के, नेताओं के, सांसदों के, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी इसके लिए जिम्मेदार है? उन्हें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, या फिर वो जानबूझकर खामोशी बरत रहे, इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं? ये जानबूझकर है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये भी मैं नहीं कह सकता किसी एक ने कहीं बयान दे दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने तुरंत इसका जवाब देना चाहिए। मगर जब 1, 2, 3, 4, 5, 6 बातें जब होती है तो इसका, और समाज में इसका बहस शुरू होता है, मीडिया में इसका बहस शुरू होता है, तो राजनीतिक जिम्मेदारी उस संगठन की जिनके कंधे पर है, चाहे पार्टी का प्रधान हो, पार्टी का वरिष्ठ नेता हो या प्रधानमंत्री हो, इन सभी लोगों ने इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो ठीक नहीं वो ठीक नहीं है कहने की आवश्यकता है। उन्होंने कुछ कहा और हल्के से कहा, मुझे लगता है थोड़े सख्ती से कहने की आवश्यकता। बिल्कुल इसी पे जिससे आपने कहा, एक असहिष्णुता पे अभी चर्चा चल रही है, संसद में भी इस पर चर्चा होने वाली है, आपको सच में लगता है कि देश में ऐसा माहौल हो गया कि यहाँ पर रहा ही नहीं जा सकता, रहना मुश्किल हो गया?
इतना एक्सट्रीम पोजीशन लेने में मेरी आज तैयारी नहीं है, मगर जिस तरह से बयानबाजी हो रही है इससे समाज के खासतौर पर माइनॉरिटी के तबके हैं इनके मन में एक तरह की डर की स्थिति पैदा हो सकती है, मगर ये परिस्थिति हो सकती है जब इस मुल्क में रहना मुश्किल है और देश छोड़कर जाने की नौबत आ गई, यहाँ तक कहना मुझे एक्सट्रीम लगता है। आज जिस तरह से माहौल चल रहा है, एक बात याद आती है, लोकसभा चुनाव के पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये देश के लिए विनाशकारी होगा। आज 1.5 साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका, आपको लग रहा है कि उनकी भविष्यवाणी सही हुई या फिर वो उनका सिर्फ भ्रम था? नहीं, ऐसा है कि मनमोहन सिंह कभी बोलते नहीं, बोलते हैं तो सोच सोच कर कहते हैं। उनका जो पॉलिटिकल असेसमेंट था वो शायद एक्सट्रीम हो सकता है, मगर इसमें कुछ न कुछ जोर था, कुछ न कुछ हम जो बोलते हैं वो नज़रअंदाज करने की परिस्थिति में नहीं थे, और वो दिख रहा है आज। इसके अलावा बिहार चुनाव की बात करें तो उसके बाद तीसरा मोर्चा कह रहे हैं कि बीजेपी का पतन शुरू हो सकता है। आप भी तमाम लोगों ने आपसे भी शायद संपर्क किया है। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर जब तक ये तीसरे मोर्चे में एकता नहीं आएगी, उनका स्वार्थ खत्म नहीं होगा, तब तक तो बीजेपी को हराना मुश्किल है। ऐसे कुछ कह नहीं सकते, एक बार मुझे हर स्टेट की अलग स्थिति है, अभी समझो वहाँ से दूसरा स्टेट, यहाँ कहाँ तीसरा मोर्चा हो सकता है, या कांग्रेस NCP एक हो जाएगी तो हुकूमत बदलेगी, इससे पहले भी दिखा है कई ऐसे राज्य है कि वहाँ की स्थिति अलग है, मगर एक है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो राजनीतिक दल है इसमें आपस में एक समझदारी का माहौल पैदा हो सकता है तो देश में बदलाव लाने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगा। मैं कांग्रेस की बात आपने की, एक चीज़ आज, क्योंकि इतना लंबा सा 55 साल से ज़्यादा वक्त आपने बिताया, दुख होता अगर आप पीछे मुड़ के देखते जिस तरह से आपको पार्टी से निकाला गया था, अफसोस होता उन चीज़ों को देखकर आज जब। नहीं, सबकी एक माहौल बन गया है विद इन पार्टी में, ये माहौल में कुछ लोगों के ऊपर एक तरह की एक कुठार मारने के प्रयास किए गए, कुछ लोगों को दूर करने के लिए कुछ कदम उठाए गए कि जिसमें मैं था, संगमाजी थे, तारिक अनवर थे, और हम लोगों को जिस संगठन से हम बचपन से रहे और हमारी राजनीतिक दल की शुरुआत कांग्रेसी विचारों में जब शुरू हो गई वहाँ से हमें दूर जाना पड़ा। ठीक है, संगठन से हम दूर गए मगर मन से विचारों से हम तो दूर नहीं हो सकते, हम लोगों ने फिर भी राजनीतिक जो कारोबार करने के लिए प्रयास किया, इसमें विचारधारा गांधी ने रुकी रखी और उस लाइन से आज भी हम करते, जब किसी को सहयोग देने की स्थिति आती है तो हमारा सहयोग के लिए पहला हाथ कांग्रेस के साथ ही जाता है, और ये कांग्रेस को भी इसका अंदाजा अभी आया है। जी बिल्कुल, जिस वक्त आपने पार्टी छोड़ी थी उस वक्त सबसे बड़े नेताओं में से आप एक थे, आपको लगता है कि आपका प्रधानमंत्री बनने का सपना, जो अगर महाराष्ट्र की हम बात करें, सब कहते हैं अगर कोई बन सकता है तो शरद पवार है, वो प्रधानमंत्री बनने का सपना अधूरा रह गया इतने 55 सालों की राज? एक पहली बात है, पार्टी मैंने छोड़ी नहीं थी, पार्टी से मुझे निकाल गया था, और दूसरी बात ऐसी है कि जिस संगठन में मैं काम करता हूँ प्रधानमंत्री बनना या कोई ज़्यादा जिम्मेदारी इम्पोर्टेंट लेना इसके लिए एक तरह की राजनीतिक ताकत खड़ी रहनी चाहिए, वो संसद में, बाहर नहीं, और पार्लियामेंट में इस तरह की ताकत आज हमारे पास नहीं है। जब मेरी पार्टी वहाँ 12 या 14 दोनों सदन में सदस्य लेकर बैठती है, हम कैसे ऐसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई हम देश चलाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं, और इसलिए मेरी राजनीति ये रियलिस्टिक राजनीति होती है, रियलिस्टिक स्थिति क्या है वो समझकर मैं कदम उठाता हूँ, और इसलिए देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना मेरा नहीं है और होगा नहीं, और आज की स्थिति में जो हमारी संरक्षण की अवस्था है वो देखने के बाद इसमें कोई कामयाब नहीं होगा। एक राजनीतिक चर्चा चली जिस पर आपका क्लैरिफिकेशन जानना चाहूँगा, राजनीतिक गले में लगातार चर्चा चली, कुछ समय पहले आप राष्ट्रपति बनने के लिए लॉबिंग कर रहे थे, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। कहीं के लिए लॉबिंग करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, लॉबिंग जिस पार्टी के पास 14 सदस्य वो दोनों राष्ट्रपति बनेंगे, ये राष्ट्रपति का मेरा नाम कहाँ से आ गया मैं भी जानता नहीं हूँ, कैसी ये बात आ गई ये भी मैं जानता नहीं, ना किसी ने बात की ना किसी ने इस पर ध्यान दे दिया, और जैसे मैंने कहा कि कुछ क्षेत्रों में आपको जाने के लिए जितनी ताकत राजनीतिक चाहिए ये आपके पास नहीं है, तो आप काहे के लिए वो सपना मन में रख कर काम करेंगे, मैं तो ऐसे सपने कभी रखते नहीं,
जो वास्तव नहीं है। इसके अलावा एक राहुल गांधी पे आपके विचार जानना चाहूंगा, जिस तरह आक्रामक नजर आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो इतनी सक्षम हो गई कि कांग्रेस के नैया को आपार कर सकते हैं, या फिर अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है? नहीं, मैं तो जानता नहीं उनको, मैंने कभी इनसे मेरी बात भी नहीं कभी हुई ज़्यादा, और इसलिए इनके बारे में कमेंट करना, जब तक इनके बारे में, उनकी कैपेसिटी के बारे में, संगठन में किस तरह के उनका व्यवहार है, ये जब तक हम जानते नहीं तब तक इस बारे में रिएक्ट होना मुश्किल है। मगर एक बात दिखाई दे रही है कि ये नौजवान आदमी देश में घूम रहा है, और घूम कर परिस्थिति की जानकारी लेने के लिए प्रयास कर रहा है। अभी इसमें जो सूझबूझ बढ़ेगी तो शायद आगे जा सकते हैं, मगर बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इस पर कहने का मेरा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आपके, अगर मैं आपके पर्टिकुलर आपकी पार्टी की बात करूं, तो आरोप ये लग रहा है कि जिस तरह से अजीत पवार हो या फिर छगन भुजबल, उनके घर पर कंपनियां जब्त कर दी, प्रॉपर्टी जब्त कर दी गई है, आरोप ये लग रहा है कि आपने अपने भतीजों को बचाने के लिए बीजेपी से डील की है और इसलिए आपने छगन भुजबल की बलि दे दी, ऐसा आरोप लग रहा है, आपकी सफाई जाना चाहेंगे? ये कहने वाले पागल लोग तो हो गए, या राजनीति समझने हो गए, या इनके मन में मेरे बारे में गलतफहमी होगी। ये तीनों बातें होगी तो ही इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। एक, आपने कहा कि अजीत पवार की प्रॉपर्टी जब्त की, नहीं, छगन बिल्कुल भुजबल के लिए, नहीं। छगन भुजबल, छगन भुजबल के बारे में, वो भी छगन भुजबल की नहीं, इनके भतीजे की। छगन भुजबल इसमें मेंबर भी नहीं है, पार्टनर भी नहीं है, और इससे उनका नाम लेना भी गलत है। भुजबल है इसलिए छगन भुजबल ही सब होते नहीं। नंबर दो, हमें 100% विश्वास है कि जिस तरह से आज जिनके हाथ में हुकूमत है, इस हुकूमत का इस्तेमाल एक राजनीतिक हमले करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो हो रहे हैं, इससे आज नहीं कल बात साफ हो जाएगी, और सच्चाई सच्चाई क्या है, दूध का दूध पानी का पानी, और लोगों के सामने आएगा, इसकी चिंता हमें बिल्कुल नहीं है। आप कह रहे कि आपको यकीन है कि सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। एक और मुद्दा यह कि इतने साल राजनीति में बिताने के बाद भी ऐसा क्यों है कि शरद पवार कब कौन सा दांव चलेंगे, कब कौन सा खेल खेलेंगे, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, आमतौर पे प्रिडिक्ट कर पाते हैं? क्योंकि उनका स्टडी ठीक नहीं, उन्होंने थोड़ा सा राजनीतिक स्टडी करने की आवश्यकता है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शरद पवार, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। 75 साल के होने जा रहे, हमारी इनको शुभकामनाएं। यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे।